TWS वाले दोस्तों, 1000 रुपए का ऐसा बजट है ना जिसके अंदर बहुत सारे ईयरबड्स आते हैं और बहुत सारे ब्रांड भी आते हैं, जिसके अंदर बोट आ गया, मीवी आ गया, नॉइस आ गया, विंग्स आ गया, जैपरोनिक्स आ गया, इवन हैमर है और फायरबोल्ट भी अब इसके अंदर आपको देखने मिलेगा। तो 1000 रुपए के अंदर कौन सा ईयरबड सबसे बेस्ट है, आज उसकी बात करने वाले हैं। मैंने काफी सारे जो ईयरबड्स हैं वो बाय किए हैं और यहां पर लगभग 12-15 ईयरबड्स मैंने बाय किए हैं, उनमें से मैं 5 टॉप 5 चुनने वाला हूं। तो आज की वीडियो के अंदर बताने वाले 5 TWS जो आपको 1000 रुपए में सबसे बेस्ट देखने मिलेंगे। तो जल्दी से शुरू करते हैं, 5वें नंबर से शुरू करूंगा और नंबर 1 तक जाएंगे। वैल्यू फॉर मनी देखेंगे कौन सा TWS आपको देखने मिलता है। शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, 5वें नंबर पे जो मैंने TWS रखा है, ये है जेब्रोनिक्स की तरफ से आने वाला साउंड बॉम 5। और ये काफी दिनों पहले मैंने रिव्यू किया था अपने चैनल के ऊपर, उसकी भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं इसकी। तो ये प्लास्टिक बिल्ड के साथ आता है, पेबल शेप है यहाँ पर और बिल्ड क्वालिटी ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको मैट फिनिश मिलती है तो स्क्रैचेस वगैरह नहीं देखने को मिलेंगे। बाकी ईयरबड्स की बात करूँ तो यहाँ पर आपको स्टेम डिजाइन यानी लॉन्ग स्टेम डिजाइन मिलती है, तो आपको कानों में उनके काफी सही आएंगे। जिनको रबर वाले ईयरटिप्स पसंद आते हैं, इन ईयर डिजाइन के साथ आते हैं तो कानों में काफी सही तरीके से फिट हो जाते हैं। बाकी बात करूं तो टच कंट्रोल के साथ आते हैं और यहां पर अगर ड्राइवर साइज की बात करूं तो यहां पर आपको 10 mm के जो ऑडियो ड्राइवर हैं वो सिंगल TWS के अंदर मिलते हैं। बैटरी बैकअप भी काफी सही है, 22 से 24 घंटे तक का बैटरी बैकअप है केस का, और सिंगल TWS लगभग 3 से 3.5 घंटे तक आराम से चल जाते हैं और वो डिपेंड करता है आपके यूसेज के ऊपर। बाकी यहां पर आपको और भी काफी सही फीचर मिल जाता है, जैसे कि IPX4 की रेटिंग है तो स्वेट प्रूफ है, कोई प्रॉब्लम यहां पर आपको नहीं फेस करनी पड़ेगी। और हाँ, बात करना चाहूंगा माइक्रोफोन के आउटपुट के लिए। वैसे माइक्रोफोन का आउटपुट ओके टाइप है, लेकिन अगर आपको फुल वीडियो देखनी है, माइक्रोफोन का आउटपुट सुनना भी है, तो यहां पर क्लिक करके पूरा वीडियो भी देख सकते हो। और ऑडियो क्वालिटी मैं कहूंगा जबरदस्त है और 999 के अंदर मतलब एक्सपेक्ट करते हो ना जैसी, वैसी से थोड़ी अबव मिलेगी आपको, तो यहां पर ऑडियो क्वालिटी भी काफी जबरदस्त है। तो इसका जो लिंक है मैंने दिया हुआ डिस्क्रिप्शन के अंदर, 999 के Amazon पे मिल जाएंगे आपको और चेकआउट कर सकते हो। अब दोस्तों, एक छोटी सी बात और करना चाहूंगा, इस तरह की जो वीडियोस है ना हम करते हैं, टॉप 5 स्मार्ट वॉचेस, टॉप 5 ईयरबड्स अंडर 2000 3000 1500 1000 रुपए, इस तरह की वीडियो काफी लोग कॉपी कर रहे हैं मेरी और थंबनेल इवन तक कॉपी कर रहे हैं। और उनको एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, यार अगर आप कॉपी कर रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम से कम आप एक चीज कर सकते हो, आप ऑडियंस को जो चीज बता रहे हो, मतलब हर चीज एकदम, ये नहीं कि मतलब ये जो TWS है समझ लो मीवी का है और मैं इसमें हर चीज अच्छी बताऊंगा, कुछ चीज तो नेगेटिव होंगी ना, जैसे कि बिल्ड या फिर डिजाइन, ऑडियो क्वालिटी, कुछ तो नेगेटिव होगा, वो कुछ भी नहीं बता रहे, सब कुछ अच्छा है उनके लिए और मतलब ऑडियंस को थोड़ा सा वो पागल बना रहे हैं, बस ये चीज चेकआउट कर लेना और जो भी हो ना मतलब ये चीज जरूर बताना। बाकी बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, बात कर रहे हैं 4वें नंबर पे जो मैंने TWS या फिर ईयरबड रखे हैं, ये है फायरबोल्ट की तरफ से आने वाले फायरपॉड्स 201 निंजा 201 है। ये अभी थोड़े दिन पहले मैंने रिव्यू किया था अपने चैनल के ऊपर, उसकी भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं यहां पर जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है वो मुझे काफी सही लगी। यहां पर आपको मैट फिनिश मिल जाती है, TWS की डिजाइन अच्छी है और जो बिल्ड क्वालिटी अगर आप देखोगे तो मतलब आपको मजा आ जाएगा, काफी सही है, क्यूट से लगते हैं और लगता नहीं कि मतलब 1000 रुपए के अंदर आने वाले TWS हैं। और सबसे अच्छी बात, ये पोर्टेबल है, आपके मुट्ठी तक में आ जाएंगे। इसकी बात कर लेते हैं, सबसे पहले यहां पर आपको जो बैटरी बैकअप है वो सही मिल जाता है, 22 से 24 घंटे तक का बैटरी बैकअप है। सिंगल जो TWS है, ये जो ईयर मतलब बैटरी बैकअप की बात कर रहा हूं मैं, तो यहां पर लगभग 2.5 से 3 घंटे तक का बैटरी बैकअप आपको दे पाएगा। अब वही बात करूं इसके ईयरबड्स की, तो ये भी स्टेम डिजाइन के अंदर आता है, लेकिन ये हाफ इन ईयर डिजाइन है, तो जिनको रबर वाले TWS आपके कानों में नहीं फंसते, दर्द करते हैं, निकल जाते हैं, उनके लिए ये हो सकते हैं, तो यहां पर उनके कानों में काफी अच्छी तरीके से फिट आ जाएंगे। ये प्लास्टिक वाले हैं, इसमें रबर वाली जो एयर टिप्स होती है वो नहीं आती, तो ये इसलिए मैंने 4वें नंबर पर रखे। बाकी यहां पर आपको टच कंट्रोल मिल जाता है, वॉल्यूम अप डाउन का फीचर मिल जाता है, यहां पर और भी जो फीचर है काफी कमाल के हैं, IPX4 की रेटिंग के साथ भी आते हैं, तो स्वेट प्रूफ भी है और कोई भी यहां पर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। माइक्रोफोन के आउटपुट की बात करूं तो वो ओके टाइप है, मतलब बहुत सही नहीं है क्योंकि 1000 रुपए के अंदर आ रहा है और मैं टू बी ऑनेस्ट एकदम सच बोल रहा हूं उसके बारे में जो मुझे लगा। बाकी अगर बात करूं ऑडियो क्वालिटी की, तो हाँ ऑडियो क्वालिटी मैं बोल सकता हूँ कि 999 के हिसाब से काफी सही है, आप इसको ले सकते हो। और जिनको कानों में काफी अच्छी तरीके से फिट आ जाएंगे ना, उनको और अच्छी तरीके से जो ऑडियो क्वालिटी वो सुनाई जाएगी। मेरे कानों में ये वाले नहीं फंसते, मेरे कानों में जो ईयर टिप्स हैं यानी कि रबर वाले वो ज्यादा फंसते हैं, तो यहाँ पर इसकी ऑडियो क्वालिटी थोड़ी और इनहेंस है जो मेरे को सुनाई दे रहा है। और हाँ, अगर माइक्रोफोन का आउटपुट ही सुनना है तो इसका माइक्रोफोन का आउटपुट के लिए यहाँ पर फुल वीडियो मैंने की हुई है, वो भी चेकआउट कर सकते हो और वहाँ पर सुन लेना पूरा माइक्रोफोन का आउटपुट। तो दोस्तों, इसका भी जो लिंक है मैंने दिया हुआ डिस्क्रिप्शन के अंदर, चेकआउट कर सकते हो, 999 के शायद आपको देखने मिल जाए। बाकी थोड़ी सी प्राइसिंग बढ़ी हुई है क्योंकि अमेजोन पे सेल वगैरह चल रही है, तो उसकी वजह से
और फ्लिपकार्ट भी आने वाली है उसकी वजह से, वरना बाद में अगर चेकआउट करोगे तो 999 के डेफिनेटली आपको देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों बात कर रहे हैं तीसरे नंबर पर जो मैंने TWS रखे हैं इस लिस्ट के अंदर, वो है मीवी के F30। वैसे हाल ही में TWS भी निकाले थे मीवी ने, जो कि थे डूपोर्ट्स A350, जो मुझे काफी बेकार लगे। 999 के अंदर ये भी थे लेकिन बेकार लगे। हाँ, इनकी बात कर सकता हूँ, ये काफी सही थे, इनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसकी बिल्ड डिजाइन काफी सही लगेगी आपको, यहाँ पर आपको प्लास्टिक बिल्ड मिलती है, लेकिन जो डिजाइन है बिल्ड है वो काफी सही लगती है, कोई स्क्रैचेस वगैरह का भी डर नहीं है। और जो TWS हैं वो आपको स्टेम डिजाइन के साथ आते हैं और इन ईयर डिजाइन है वहां पर, टच कंट्रोल भी यहां पर आपको देखने मिलता है। और क्या क्या फीचर है उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहां पर सबसे बड़ा हाईलाइटेड जो फीचर है वो है इसका बैटरी आउटपुट, 48 घंटे तक का क्लेम करता है, लेकिन अगर आप रियल लाइफ में यूज करोगे तो यहां पर लगभग 35 से 40 आवर्स के बीच में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगा, केस के साथ बता रहा हूं। और जो सिंगल TWS है लगभग 3.5 से 4 घंटे तक का बैटरी आउटपुट आप क्लेम कर सकते हो, ले सकते हो, इतना कुछ आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ ये भी IPX4 के रेटेड के साथ आता, तो पानी वगैरह फिर हल्का फुल्का पसीना आता तो उससे कोई दिक्कत नहीं है यहां पर। और यहां पर सिंगल TWS के अंदर आपको 13 mm के ऑडियो ड्राइवर मिलते हैं, टाइप सी आता है, और फास्ट चार्जिंग का जो फीचर है वो भी यहां पर दिया है। 10 मिनट के अंदर कुछ 10 घंटे तक का जो बैटरी आउटपुट है वो आप ले सकते हो यहां पर। बाकी माइक्रोफोन की बात करूं तो माइक्रोफोन का आउटपुट ठीक ठाक होगा, बहुत सही नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ कॉलिंग वगैरह पे बात करते हो तो काफी सही तरीके से हो जाती है। हाँ, ऑडियो क्वालिटी मुझे काफी सही लगी, 999 के अंदर काफी सही है यहाँ पर जो ऑडियो क्वालिटी है, आप ले सकते हो 1000 रुपए के अंदर। मुझे लगता है कि ऑडियो क्वालिटी वाइज या फिर जो इसकी बिल्ड वगैरह वाइज अगर आप देखते हो तो काफी सही पैकेज है, और इसका जो लिंक है वो दिया हुआ है मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर, फ्लिपकार्ट के ऊपर अवेलेबल है। दोस्तों एक कमाल की चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको इंस्टेंट पैसों की जरूरत पड़ती है या फिर कोई क्रेडिट कार्ड बनवाना पड़ता है तो होता क्या है, मतलब अगर आप किसी को क्रेडिट कार्ड को बनवाना है तो बैंक जाना पड़ता है या फिर एजेंट को कॉल करनी पड़ती है, वो अपना कुछ कमीशन वगैरह लेता है, और या फिर कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन आते रहते हैं बनने में या फिर ना बनने में, तो यहां पर मैं आपको एक ऑफर बताना चाहूंगा। अगर आप अर्न करो की साइट पर जाते हो और SBI का कार्ड अगर आप बनवाने में इंटरेस्टेड हो तो वहां पर जाके आप अप्लाई कर सकते हो। वहां पर आपको जो बेनिफिट्स हैं उसके बाद बताता हूं। आप जैसे ही अप्लाई करोगे तो फ्री में अप्लाई हो जाएगा आपके लिए, और कोई भी मतलब बैंक जाने की जरूरत या फिर किसी एजेंट को पैसे देने की जरूरत नहीं है। इवन वहां पर आपको फायदा यह भी है कि अगर आप अप्लाई करते हो तो 500 रुपए का जो गिफ्ट वाउचर है Amazon का वो आपको जरूर मिल जाएगा, और आप बाय कर सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो। बाकी जब भी आप अप्लाई करो तो वहां पर जो भी टर्म कंडीशंस हैं वो पढ़ लेना, उसके बाद ही अप्लाई करना, और इसका जो लिंक है मैंने दिया हुआ डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहां से चेकआउट कर सकते हो, इवन वो शेयर भी कर सकते हो आप लोग। बाकी बढ़ते हैं अगले TWS की तरफ। दोस्तों बात कर रहे हैं नंबर 2 पे जो मैंने TWS रखे हैं, ये है लिबर्टी बर्ड्स, टैग की तरफ से आते हैं, और इनको मतलब यार क्या कहूं, मुझे काफी सही लगे, ये बिल्ड हो, डिजाइन हो, फीचर्स हैं वो काफी सही है, और हाँ स्पेशली इसका जो ऑडियो क्वालिटी वो भी काफी सही है। तो यहाँ पर इसकी बात कर लेते हैं, सबसे पहले इसकी जो बिल्ड डिजाइन है वो काफी सही लगेगी आपको यहाँ पर, आपको मतलब लगता है कि हाँ थोड़े से प्रीमियम टाइप के जो ईयरफोन्स हैं आपने लिए हुए वायरलेस, और ये 1000 रुपए के तो नहीं लगते। इसके बाद अगर बात करूँ तो इसके जो TWS है इनकी जो डिजाइन है ये भी आपको इन ईयर डिजाइन मिलेगी स्टेम डिजाइन के अंदर, और टच कंट्रोल के साथ आते हैं, और यहाँ पर अगर बैटरी आउटपुट की बात करूँ तो लगभग 20 घंटे तक का बैटरी आउटपुट है इनके साथ, और सिंगल TWS लगभग 2.5 से 3 घंटे तक का बैटरी आउटपुट निकाल के देता है, और कानों में काफी सही तरीके से फिट आ जाते हैं, क्योंकि मेरे कानों में तो काफी सही तरीके से आते हैं क्योंकि रबर वाले AirTips इसके अंदर आते हैं। स्पेशली मैं इसको मेंशन भी कर रहा हूं, ये उनके कानों में ही फिट आएंगे जिनको रबर वाले AirTips पसंद है। तो यहां पर आपको 13 mm का ऑडियो ड्राइवर है सिंगल TWS के अंदर, और यहां पर आपको IPX5 की रेटिंग मिलती है, मतलब स्वेट प्रूफ तो है ही, रेन प्रूफ भी बोल सकता हूं, 1000 रुपए से नीचे कोई भी TWS के साथ ये फीचर मुश्किल ही आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर बात करूं तो यहां पर आपको माइक्रोफोन का आउटपुट भी काफी सही मिल जाता है, और यहां पर आप कॉलिंग वगैरह के आराम से इसको यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं लगेगी, और इवन जो ऑडियो क्वालिटी है वो भी काफी सही है इस बजट के अंदर। वैसे इसका फुल रिव्यू वीडियो मैंने किया हुआ है जहां पर माइक्रोफोन और ऑडियो के बारे में पूरी डिटेल के साथ बताया हुआ है, यहां पर लिंक आ रहा होगा, इस पर क्लिक करके पूरी वीडियो देख सकते हो और मुझे बता भी सकते हो। और दोस्तों एक कमाल की चीज, और इस तरह के जो TWS होते हैं या फिर ईयरफोन्स होते हैं या फिर जो स्मार्ट वॉचेस होते हैं और भी जो गैजेट्स आते हैं हमारे पास रिव्यू के लिए, उनको हम सेल भी कर देते हैं। अगर आपको बाय करने 20-30% ऑफ पे तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, यहाँ पर आईडी आ रही होगी, मुझे फॉलो कर लेना, DM करके पूछ सकते हो। और बढ़ते हैं अगले TWS की तरफ। दोस्तों नंबर 1 पे जो मैंने TWS रखे हैं वो है हैमर ब्रांड की तरफ से आने वाले हैमर एयरफ्लो 2.0, और ये कुछ ऐसी बिल्ड क्वालिटी के साथ आते हैं। अब इसकी बात कर लेते हैं, सबसे पहले यार यहां पर मतलब ऑडियो क्वालिटी स्पेशली मैं बोलना चाहूंगा काफी सही है इस बजट के अंदर, और 1000 रुपए के अंदर भी आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं, सबसे पहले यहां पर अगर आप देखोगे तो इसकी बिल्ड डिजाइन अच्छी है, ग्लॉसी फिनिश के साथ आती है, और यहां पर जो इसके TWS हैं वो भी आपको स्टेम डिजाइन के साथ आते हैं, और यहाँ पर AirTips आती हैं, तो यहाँ पर रबर AirTips आते हैं तो कानों में काफी सही तरीके से फंस जाती हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहीं अगर बात करूँ बैटरी आउटपुट की तो 12 से 15 घंटे तक का बैटरी आउटपुट है, 300 mAh की बैटरी आती है, और जो सिंगल TWS है लगभग 2.5 से 3 घंटे तक का बैटरी आउटपुट देता है।
जो इसके ईयरबड्स हैं ये आपको IPX4 की रेटिंग के साथ आते हैं, तो यहाँ पर हल्का फुल्का पसीना आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पानी वगैरह डरने की कोई बात नहीं है। टच कंट्रोल यहाँ पर आपको देखने मिलता है और माइक्रोफोन का आउटपुट काफी सही है, मतलब इस तरह के जो रूम्स होते हैं या फिर आउटडोर भी इवन बात करोगे तो जो कॉल क्वालिटी है वो काफी सही है। और वहीं अगर बात करूं ऑडियो क्वालिटी की, तो ऑडियो क्वालिटी मुझे काफी सही लगी इन TWS की, सच में काफी बढ़िया है। जहां पर आपको मतलब जो वोकल्स हैं या फिर इसके जो मिड्स हैं, इवन जो इसके जो हाई या फिर बेस क्वालिटी है वो भी काफी बढ़िया आपको सुनने को मिलेगी। और वहीं बात करूं उसकी प्राइसिंग की, तो ये भी आपको अमेजोन के ऊपर शायद 1100 या फिर 1200 रुपए का देखने को मिल रहा है, वो मैंने बता दिया आपको अब रीजन। लेकिन अगर आपको सच में 1000 रुपए के आसपास इसको बाय करना है तो यहां पर दिया हुआ जो कूपन कोड है उसको अप्लाई कर सकते हो, उसकी साइट से बाय कर सकते हो, आपको डेफिनेटली 1000 रुपए के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा ये वाला TWS। और मेरे हिसाब से यार 1000 रुपए में काफी सही वैल्यू फॉर मनी ये वाला TWS आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये थे वो 5 TWS और मुझे लगता है कि काफी ज्यादा मतलब वैल्यू फॉर मनी है ज्यादा TWS। लेकिन अभी भी अगर कंफ्यूजन में हो तो मैं बोलना चाहूंगा जो नंबर 1 पे रखा है वो काफी सही है, अगर आपको कॉलिंग और स्पेशली म्यूजिक के लिए लेना है तो उसका जो लिंक है मैंने दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, चेकआउट कर सकते हो।